सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। कम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये हीरो इग्निटर, ये दोस्तों इसमें दोस्तों स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिसे दोस्तों ढूंढते ढूंढते तो दोस्तों बहुत बहुत तकलीफ हुई हमें। फिर भी दोस्तों फाइनली इसका प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट हो गया दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों। उसके पहले मैं ये कैप बाहर निकाल ले लेता हूँ। एचटी कॉइल की वायर जो है वो मैंने निकाल दी है। अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेन इशू दिखाता हूँ इसमें क्या है। अभी दोस्तों ये डायरेक्ट है इग्निशन की लाइन, यहाँ पे दोस्तों ये चाबी स्विच से जो दो वायर आते हैं दोस्तों यहाँ से, यहाँ पे ये दोस्तों कटे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने डायरेक्ट करके रखा था शायद ऐसा, आपसी चिकट चिपक के। अभी दोस्तों मैं इसे चिपका देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये हो गया। अभी दोस्तों हम सेल्फ मारेंगे गाड़ी में, दोस्तों बैटरी अच्छी है, ये देखिए दोस्तों सेल्फ नहीं ले रही है। और अभी हम किक मार के देखेंगे यहाँ पे करंट शो होता है क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे करंट शो नहीं हो रहा है और दोस्तों सेल्फ भी नहीं चल रहा है। दोस्तों बैटरी भी मैंने अभी अभी चार्ज करके जस्ट लगाई है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले दोस्तों हम CDI चेक करेंगे। CDI चेक करने की प्रोसेसिंग मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जो वायर है ये दोस्तों RPM की है, इसे दोस्तों साइड में रखिए, इसका दोस्तों कुछ इशू नहीं। ये दोस्तों दो वायर्स है, ये दो वायर्स जो है दोस्तों ये हमारे कार्बोरेटर के सेंसर में जाते हैं। अब रही बात दोस्तों हमारी इस कपलर की, इसे मैं बाहर लेता हूँ आपको एक्सटेंड करता हूँ। तो दोस्तों इस कपलर को देख सकते हैं बाहर निकाल लिया है। ये दोस्तों हरा वाला तार है, ये अर्थिंग है। और दोस्तों ये जो हमारा ब्लू पे जो येलो पट्टी है ये दोस्तों हमारा पिकअप कॉइल का वायर है। और दोस्तों ये जो है ये इग्निशन लाइन है और दूसरा जो है एक लाइन बची हुई, ये दोस्तों आउटपुट है CDI का, CDI से HT पे जाता है। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड आउट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं मल्टीमीटर फटाक से ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा मल्टीमीटर, अब मैं इसे 20 पे सेट करूँगा। तो दोस्तों ये 20 पे सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें जो रेड वाला ये जो वायर है दोस्तों इसमें और ये ग्रीन वाले में पॉजिटिव निगेटिव मैं लगा देता हूँ, फिर टच करके ले लेता हूँ। दोस्तों मैं आके लाऊं सो मैं आपको टच करके बता। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने टच कर दिया है और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 12 वोल्ट करंट शो कर रहा है दोस्तों, ये देखिए कभी आता है कभी जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये वायर भी आपके सामने चिपकाए हुए हैं। अब दोस्तों बारी है हमारे पिकअप कॉइल की। तो दोस्तों पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें यहाँ रखना होगा दोस्तों, कॉन्टीन्यूटी पे सेट करना है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों वायर्स को आपस में टच करना है, ये देखिए दोस्तों बीप बजी, मतलब दोस्तों हमारा मल्टीमीटर अभी सही है वर्किंग कंडीशन में। तो दोस्तों फटाफट से मैं अभी क्या करता हूँ पिकअप कॉइल को हमारी चेक करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए आपको पिकअप कॉइल में घुसाना होगा दूसरा अर्थिंग। तो दोस्तों यहाँ मीटर पे रीडिंग आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए 126.7। दोस्तों पिकअप कॉइल हमारी परफेक्ट है दोस्तों, दोनों लाइन चालू है। अब बचा हमारे CDI से जो बाहर आउटपुट जाता है वो करंट। तो दोस्तों आपको मैंने CDI की तो प्रोसेसिंग बता दी, अब दोस्तों मैं कपलर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब इसके बावजूद भी दोस्तों करंट नहीं आ रहा है गाड़ी में। तो दोस्तों ये करंट हमें कहाँ से गायब है ये ढूंढना है। दोस्तों सबसे पहला इसका टंकी में भी दोस्तों कचरा था, तो कार्बोरेटर मैंने क्लीन कर दिया, ये देखिए कार्बोरेटर ओपन है, प्लग चेंज कर दिया। अब दोस्तों फिर भी करंट क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। उसका मेन रीज़न दोस्तों ये है कि ये जो वायर है दोस्तों इग्निशन की, गौर से आप देखिए, देखिए जली हुई है। तो यहाँ पर हमारे कुछ गड़बड़ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये सॉकेट जो है निकाल लेता हूँ, देखिए सॉकेट में निकाल दिया। और ये जो मेरी वायर है ये दोस्तों मैं इसमें डाल देता हूँ, ये देखिए सॉकेट भी जला हुआ है दोस्तों, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए इसमें दोस्तों एक वायर मैंने घुसा दिया है, ये दोस्तों पतली वायर है, आप चाहे तो जाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ मुझे प्रॉब्लम तक पहुँचना है।
दोस्तों इस बाइक ने मुझे इतना हैरान किया कि मैंने यहाँ पे भी सब ओपन करके देख लिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही धुआँ आ रहा था। जब दोस्तों मैंने देखा कि इसे जो भाई लेके आए, तब दोस्तों यहाँ से धुआँ आ रहा था। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या मैं आपको बोलता हूँ, ये जो वायर है ये दोस्तों कटी हुई थी और दोस्तों ये बॉडी में टच कर गई, इसके लिए दोस्तों धुआँ आने लगा और वायरिंग शॉर्ट हो गई। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, अब दोस्तों मैं स्टार्टर यूज़ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों स्टार्टर बोलने लग गया और यहाँ पे करंट भी दोस्तों शो होने लगा। गौर से देखिए, आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों स्टार्टर आ गया, करंट आ गया हमारे गाड़ी में। अभी दोस्तों मैं इसे यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेता हूँ। दोस्तों मैं इसका ऊपर का कैप लगा ही लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो कैप है वो मैंने लगा दिया। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्टर मारता हूँ। बाइक स्टार्ट हो गई, मतलब दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जो था वो दोस्तों यहाँ पे था, ये वायर्स में। दोस्तों ये वायर्स को मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, यहाँ पे टू न्यू वायर्स लगा के कपलर मैं ज्वाइंट कर दूँगा, थी वैसे बाइक रेडी। मगर दोस्तों प्रॉब्लम को हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि दोस्तों उसे जड़ तक हमें पहुँचना है, तो ही दोस्तों नहीं तो अभी लेके गया और दो दिन बाद वापस आ गया, अरे भाई ये प्रॉब्लम वापस आ गई। तो दोस्तों ऐसा हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों प्रॉपर आपको उसकी जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा, भले ही उसके लिए कुछ भी हो जाए, मगर जो प्रॉब्लम है वहाँ तक हमें पहुँचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ठोक दीजिए। सो बाय।